शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की जोड़ी बॉलीवुड की खूबसूरत जोड़ियों में से एक है। हाल ही में इंडियन आइडल 12 के सेट पर पहुंची शिल्पा ने अपनी लव स्टोरी बताते हुए कहा कि वो जब ब्रिटेन के मशहूर रियलिटी शो बिग ब्रदर में कंटेस्टेंट थी, उस दौरान वो राज कुंद्रा को डेट कर रही थी और इस बारे में किसी को खबर नहीं थी। वहीं जब शादीशुदा राज कुंद्रा को शिल्पा ने डेट किया तो उन पर कई आरोप भी लगे। राज कुंद्रा की पहली पत्नी कविता ने एक्ट्रेस पर आरोप लगाया था कि शिल्पा ने उन्हें बर्बाद कर दिया। बता दें कि शिल्पा के पति राज कुंद्रा ने पहली शादी बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक रखने वाली कविता से की थी। दोनों लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में थे और साल 2003 में दोनों ने शादी की। साल 2006 में राज और कविता का तलाक हो गया। तलाक के करीब 3 साल बाद शिल्पा और राज ने शादी की, लेकिन फिर भी कविता ने एक्ट्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कविता ने राज कुंद्रा से अपने रिश्ते खराब होने की वजह शिल्पा को बताया था। उनके मुताबिक जब से राज की मुलाकात शिल्पा से हुई, उनका पूरा बिहेवियर ही बदल गया था। लंदन में दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। शिल्पा शेट्टी के परफ्यूम S2 के लॉन्च के दौरान राज ने उनकी काफी मदद की। इनकी तस्वीरें भी वायरल हुईं और कविता को लगने लगा कि शिल्पा उनकी जगह ले रही हैं। इसके बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई। हर वक्त राज शिल्पा की बात करते और फिर जब शिल्पा ने बिग ब्रदर रियलिटी शो जीत लिया तो राज अपनी पत्नी पर तलाक का दबाव डालने लगे। राज और कविता की बेटी भी हुई और राज अपनी 2 महीने की बेटी को छोड़कर शिल्पा के पास चले गए। जब कविता ने शिल्पा पर कई आरोप लगाए तो राज कुंद्रा ने सामने आकर बयान दिया था कि उनकी लाइफ में शिल्पा शेट्टी की एंट्री से 9 महीने पहले ही वो अपनी पहली वाइफ कविता से अलग हो चुके थे। खबरों की माने तो राज ने कहा था कि जब कविता से उनका तलाक का मामला दर्ज हुआ था तब उनकी लाइफ में शिल्पा से उनका कोई कनेक्शन नहीं था। अब इस बात में कितना सच है ये तो शिल्पा और राज ही जाने। बाद में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शादी कर ली, लेकिन आज भी एक्ट्रेस को अपने रिश्ते को लेकर कई बातें सुननी पड़ती हैं। लोग उन्हें होम ब्रेकर और ना जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन शिल्पा ने किसी की परवाह नहीं की। शिल्पा और राज कुंद्रा 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं। शिल्पा अब फिल्मों में वापसी कर रही हैं, लेकिन इसी के साथ वो बिजनेस वुमन भी हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।